बंदिश की बात जो हमने कही आपको, क्या कोई ध्यान में रख के गाता है बजाता है? आप यदि उदाहरण दिखा दें, कोई नहीं करता, करते थे लोग। एक बात थी क्या, करते थे जब, देखिए मैं 80 वर्ष का आदमी, 70 वर्ष पहले गाना बजाना 70 वर्ष पहले जो था, 70 वर्ष भी पहले भी मैं 10 वर्ष का था, तब जो गाना बजाना था उसमें बात ये थी, आम पब्लिक में गाना बजाना नहीं होता था, वो तो सीमित वर्गों में होता था, जहाँ गवैये बैठे रहते या विलक्षण समझदार बैठे होते थे, गाने बजाने वाले समझदार बैठे होते थे या गवैये बैठे होते थे, वहाँ कोई गड़बड़ करता था ना तो वहीं गाली पड़ती थी उसको, बीच में फिल्म में तो डर था जो कहीं गड़बड़ न गाएं। मगर अब तो क्या है, आम पब्लिक है ना, ये मालूम है लोगों को, बिहाग में निशाक मपा निशा निधवा मगर सा ये सुर लगता है, बिहाग है। अरे बिहाग कैसे गाया जाता है ये भी तो समझो, कितने मुश्किल से बिहाग आता है, कितने मुश्किल से यमन आता है, कितने जब यमन बिहाग भैरव बिलावल आवे तब तो शुक्ल बिलावल आवे, तब तक जब पूरी कल्याण अपूरिया नहीं आता तो पूरिया कल्याण कैसे आएगा? पूरिया और कल्याण मजा नहीं है, गुरु के पास बरसों नहीं सीखा है तो पूरिया कल्याण क्या गाएगा? अब तो ये है, कोई कहीं का ईट कहीं का रोड़ा, भानुमती ने कुलमा जोड़ा, कुछ शब्द पकड़ लो, नीरे गम धनी सब मगर सा ऋषभ कोमल, पूरिया कल्याण हो गया। वही यमन में ऋषभ कोमल कर दो पूरिया कल्याण हो गया, गा दो न गाने वाला गा, सभा में फिल्म में आवाज अच्छी है, गला सरसर भागता, कौन पूछेगा पूरिया कल्याण आप गड़बड़ गा रहे हैं? इसलिए देखिए मैं जो कहूँगा तो नई पीढ़ी को लगेगा हंसने की बात है, जी क्या बकबक कर रहे हैं, गला तो फटा बांस है, बात लंबी लंबी करते हैं, मगर जो हम कह रहे हैं बिल्कुल सत्य है। मैं 70 वर्ष का अनुभव कह रहा हूँ, गुरुओं के संग का, अविद्या का। आपने देखा पूर्वी राग को, अपूर्वी राग किसके नज़दीक है? यहाँ शिक्षार्थी बैठे हैं, किसके नज़दीक है, हैं? जोर से बोलिए, पूरिया धनाश्री के। अच्छा पूरिया धनाश्री इसके नज़दीक है ना, हैं? निरे गम धनी सानी धपा मगर ऐसा, निरे गम धनी सानी धपा मगर ऐसा, निशा रे ग एक राग की जो एक मोहर होती है, निशा रे ग इसमें जो इस्तेमाल, जब तब लोग इस्तेमाल करते नहीं निशा रे ग, आप पूर्वी सुन के देख लो, क्योंकि उनको पुरानी अस्थाई यंत्रा तो याद ही नहीं है उनको, हमने जो ये अस्थाई यंत्री बनाए हैं तो उन्हीं की देन है, हमने जो देखा सुना है उसके आधार पर हमने रचा है। निशा रेगा जल्दी कोई गाता है, अब हिंदुस्तान में इन्हें गिने लोग नहीं के बराबर हैं जो पूर्वी में निशा रेगा को संभाले रहे, निशा रेगा अस्थाई अंतरा में भी हे माई देखते हैं ये समला है, साधनी सारे गा इसको संभाले रहे या पुरानी अस्थाई यंत्र। देखिए अली अकबर साहब से हमारे एक मित्र ने पूछा, जो खान साहब आप राग भी बनाते हैं और बंदिश भी बनाते हैं, तो आपको नया राग नई बंदिश अच्छी लगती है या पुराना राग पुरानी बंदिश अच्छी लगती है, किसको आप महत्व ज़्यादा देते हैं? तब जरा ध्यान बच्चे जरा से सुन लें, याद रखें कितना बढ़िया माकूल जवाब है। तो उन्होंने कहा अरे भाई पुराने अस्थाई अंतरे पुराने राग तो हमारे माई बाप है गुरु है, माई बाप है गुरु है, और नए अस्थाई अंतरे या नए राग तो हमारी प्रेम का है, आज है कल नहीं है, हमारी जमीन तो पुराने अस्थाई अंतरे और पुराने राग हैं, ऐसे ऐसे रागों
ऐसा है भटियार भंखार, अब बहुत से बच्चों को नाम मालूम है, असुर भी मालूम है बहुत लोगों को भटियार भंखार का। आज के 50 वर्ष पहले बिरला को मालूम होता था, बिरला को भटियार भंखार नाम नहीं सुनने को मिलता था, नाम नहीं सुनने को मिलता था। इसलिए जब प्रारंभिक राग पहले सीख ली, देखिए 250 राग गाते हैं, 250 राग, और जो राग सुना भी हम तुरंत गा देंगे, क्यों? वो जमीन मालूम है जिससे राग गाया जाता, जो जमीन है यमन बिहाग मालकोश भूपाली, ये जब आत्मसात हो जाता है तो उन रागों को जब शुद्ध राग जब मच जाता है, आत्मसात हो जाता है, तो मिश्र और संकीर्ण राग तो अपने आप या उसके अनुगामी होते हैं ना। नीद नी रे ग प म रे सा, नीद नी रे ग म ध नी द प म ग रे सा, सा रे ग प ध प ग रे, सा रे ग प ध प ग रे, प ग ध प ग रे, नी ध नी रे ग रे ग म ध प म ग रे, ग म ध नी ध प म ग रे, ग रे ग म ध नी सा नी ध प म ग रे, ग रे ग प ध प ग रे, ग प ध सा ध प ग रे, प ग रे, ग रे नी ध नी रे ग सा ध सा रे ग नी ध नीरे का जगह साधा सारे गा। यमन से निषाद मध्यम हटा दिए, भूपाली बनने लग जाएगा और कुछ नहीं है। गरे पागरे धा पागरे, गरे माधा माधा पामा गरे, पामा गरे धा पामा गरे, नीदा पामा गरे, गरे पागरे धा पागरे, साधा पागरे नीदा पामा गरे, धा पामा गरे, पामा गरे मगरे पागरे धा पागरे साधा पागरे। देख लीजिए, केवल उसको हटा दीजिए, मध्यम निषाद को हटा दीजिए, भूपाली, मगर पाली यमन को तो साधे, भूपाली सध जाएगा, भूपाली सधने में देर नहीं लगी। यदि यमन सधा हुआ है, यमन आत्मसात है, तो भूपाली सध जाएगा जल्दी सध। इसलिए ये नियम था उस्ताद बड़े, उस समय की जो शिक्षा थी वो पहले अलंकार नहीं रटाए जाते थे, पहले रागों के अस्थाई यंत्र रटाए जाते थे, एक एक अस्थाई, एक एक राग के दर्जन भर अस्थाई यंत्र सिखाए जाते थे। जहाँ अस्थाई यंत्र याद हुआ विभिन्न तरह के, विभिन्न डिजाइन के, तो राग का स्वरूप संपूर्ण अपने ही आप आत्मसात हो जाता था, अपने ही आप। हमने आपको 4 अस्थाई यंत्र सुनाए पूर्वी के, और देखा ना आपने, अलग अलग बंधान है, अलग अलग गढ़न है, अलग हर एक सुर इस्तेमाल हो गए उसमें, तो अलाप ही तान है, तान ही अलाप है। जल्दी में कह दो तो तान है, रोक के कह दो तो अलाप हो गया। इसलिए भावी पीढ़ी के शिक्षार्थियों के लिए सबसे आवश्यक यह है, जो पुराने राग जो है उसके अस्थाई यंत्र याद करें, याद न करें, उसको आत्मसात करें, कभी न भूले, कभी। देखिए जो हमने ये अस्थाई विलंबित गाया, जो पुरानी अस्थाई, कम से कम 50 वर्ष पहले हमने सीखा था। आप हमको सपने से उठा दीजिए, सोते से उठा दीजिए, कहीं गाए तो हम गाने लग जाए, को याद करना नहीं, वो आत्मसात है, आत्मसात है। इसीलिए आज के विद्यार्थी को यदि कहीं 5 वर्ष पहले का राग गाओ तो वो तो कॉपी में लिखा है, वो कॉपी में लिखा है। इसलिए देखिए बंदिश की जो बात है बहुत विलक्षण है, बंदिश का जो व्याकरण है विलक्षण है। जैसे निरख निरख सखी धा धिन धिन धा धा धिन,
देखिए आप, हे हे निरख निरख सके केवल धा धा, बस ये ठेका चाहिए बड़ा अच्छा सा धा तीन गण कम नहीं उन्होंने पाले धा कसे रो हे निरख निरख सखी गगनु मंडल में निरख निरख यार ये सब न करो तुम अपने हिल जाओगे तुम हिल जाते तुम क्या बताओ केवल छक्का बजाओ सखी गगनु मंडल में निरख निर हमारे तरफ देखते रहो तुम दिन दिन निरख निरख सखी गगनु मंडल में निरख निरख सखी ग अब देखते हैं कैसा हम शब्द को बैठाते हैं कैसा बैठता है निरख निरख सखी गगनु मंडल में निरख निरख सखी गगनु मंडल शुद्ध मध्यम म अक्षर है तो शुद्ध मध्यम पर ही लगा हुआ है निरख 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 सखे गगनु मंडल में अनुज सहित सिय राम आवत अवध विमानु चढ़े निरख निरख सखी गगनु मंडल में अनुज सहित सिय राम आवत अवध विमानु चढ़े निरख निरख सखी ऐसा है समझदार लोग यहाँ बैठे हैं देखिए कैसा शब्द कहाँ बैठता है किस वजन से बैठता है कैसा विषम स्थान पकड़ता है कैसा विषम स्थान लय से लड़ता भी नहीं है लय से लड़ाई भी नहीं करता है एक सर रस उत्पन्न करता है बढ़ते रहे भैया दिन बढ़ते बढ़ते बोलते बोलते आ जाएंगे ने हे निरख निरख सखी गगनु मंडल में अनुज सहित सिय राम आवत अवध विमा चढ़े निरख निरख सखी आप देख रहे हैं जो शब्द जहां पर है जिस स्थान पर वहीं पर वहीं पर आएगा इसको कहते हैं आत्मसात करना याद नहीं है केवल याद ही करेगा ऐसा है एक देहाती कहावत है विद्या तीन तरह की होती है एक रकंत
एक पढ़ंत, एक रटंत, एक घिसंत। एक पढ़ने वाला होता है, जैसे हिस्ट्री, पॉलिटिक्स इत्यादि, पढ़ने वाला खूब पढ़िए, पढ़ंत। आ एक रटंत, जो व्याकरण का, व्याकरण में जो ग्रामर रटिए, व्याकरण रटिए, संस्कृत में रटिए, व्याकरण रटा हुआ तो आप समझने लग जाएंगे। आ गाने में जो है घिसंत विद्या है, केवल भैरव को समझ लेने से। 50 वर्ष भी भैरव पहले गाते थे, 50 वर्ष पहले और 60 वर्ष पहले, आज भी भैरव गाते हैं। अब कुछ समझ में आने लगा है। देखिए, ये मैं अतिशयोक्ति नहीं कह रहा हूँ, हमारे गुरु के गुरु भी यही कहते मर गए कि भैया समझ में नहीं आया, समझ में नहीं आया। तो ये विषय जो है केवल याद कर, संगीत जो है केवल याद कर लेने से नहीं होता है, इसको घिसिए, जो आता है उसी को घिसिए, उसी में से एक चमक पैदा होगा, संस्कार पैदा। जैसे उदाहरण मैं दूं, गायत्री मंत्र किसको नहीं याद है? बहुत लोगों को याद है। आराम किसको नहीं याद है? सबको याद है। परंतु उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि है ब्रह्म समाना। राम राम नहीं आया तो मरा मरा कहा, तो वाल्मीकि जी ने, नारद जी ने देखा, अरे राम राम मरा मरा नहीं आ रहा है। 3-4 बार जब वाल्मीकि जी ने मरा मरा कहा तो नारद जी ने देखा, हाँ ये तो 3 बार कह गया तो 2 बार राम हो जाता, मरा मरा अब 3 बार कहे तो 2 बार राम हो जाएगा, 3 बार मरा 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 तो 2 बार राम हो जाएगा। तो उन्होंने देखा ये तो राम राम हो रहा है, कब बस यही कहते चले जाओ, घिसते चले जाओ, यही है 2 अक्षर। तो ये संगीत जो है घिसने की विद्या है, जितने ही आप घिसेंगे उतने। भातखंडे जी ने शंकर राव पंडित का यमन राग सुना, बड़ा मशहूर यमन राग था उनका। तो भातखंडे जी गए, पंडित जी हम आपका केवल यमन राग सुनने आए हैं, कहा तो उन्होंने सुनाया 1.5 घंटे यमन राग। तो शंकर राव पंडित ने कहा, जब पंडित जी महाराज अब क्या सुनाऊं, तो पंडित भातखंडे जी ने कहा जो जिस स्तर से आपने यमन गाया है उसी स्तर से एक राग और सुना दीजिए। तो जवाब सुनिए क्या है, तो उन्होंने कहा पंडित जी महाराज उसके लिए 50 वर्ष की उम्र और चाहिए, तब मैं सुना सकता है। ऐसे लोगों की ऐसी बात थी कि 50 वर्ष की उम्र अब और हो तो उसी स्तर का दूसरा राग सुनाऊं। इसलिए ये विद्या जो है घिसने का है। ज्यादा जब ज्यादा आदमी सीखने की तरफ दौड़ता है ना, अभ्यास नहीं करता वो तो सीखना बेकार हो जाता है। सीखो कम, अभ्यास करो। यदि एक दिन का सीखा हुआ जिंदगी भर में नहीं तय कर सकता आदमी। भैरव का देखिए, हम लोग जहाँ जहाँ सीखने गए, जितने आजकल के लोगों को जितने अस्थाई अंतर नहीं याद होंगे, उतने लोगों को उतने जगह के पास हम लोग सीख चुके हैं, उतने लोगों के पास दौड़ चुके हैं, उतने लोगों ने कहा ये बेटा सड़ साधन करो, आरोह अवरोह का विस्तार करो। परंतु एक बात ये है, ये तो कह देता था मगर कोई बताता तो नहीं था, या आरोह अवरोह का विस्तार कैसे करो, दौड़ते फिरो, सुनते फिरो, लोगों से पूछते फिरो, तो आरोह अवरोह का विस्तार कैसे करो ये गुरुओं के पास सीखना पड़ता। और कहिए जो आपने वो तो अभी आप कहिए, तो आप बताइए ना कैसे सीखना पड़ेगा। तो भैया ये काम ऐसा नहीं है, वो उसके लिए तो गुरु का दरवाजा का मट्टी खाना ही पड़ेगा, उसके लिए गुरु के दरवाजे पर जाना ही पड़ेगा। तो अब ऐसा है, जो हमने जो यमन के यमन कल्याण था वो अस्थाई यंत्रा सुनाया, लेकिन उसमें शब्द का कैसे प्रयोग हुआ, साहित्य का कैसे प्रयोग हुआ है, किस जगह से शब्द को उठाते हैं, किस वजन से कहते हैं, किस शब्द को छोटा करते हैं बड़ा करते हैं, ये देखने की बात। देखिए बोल के कितना बोलेंगे। हाँ बजे भैया, निरखा देखो
आपने देखा उठा उठे हम कहां से, धिन धिन धा धा धिन धिन। सके गानु मंगल में निरख निरख सके गाना मंगल में निरख निरख सके गानु मंगल में अनुज सहित सिय राम आवत आवध बीमा अनु चढ़े निरख निरख सखी मंडल में पवन पुतल आय सदे सो पवन पुतल ये तो कैसा उठता है कोई जगह पकड़ लेगा। हाँ पवन पुतल सदे सो पव पवन पुतल आय सदे जाता हूं बुढ़ापा है ना पवन पुतले सदे सो बरता मगन उठी आतुर चले पवन कैसा घर भरता है बंदिश का पेट कैसे भरता है राग का बंदिश का ताल का लय का। ताल ताल अलग चीज है लय अलग चीज है। ताल तो तबले में होता है मर लय तो प्राणी मात्र के अष्टोप्रहर होता है लय। लय किसी तबले की वस्तु नहीं है केवल गाने बजाने की वस्तु नहीं है। लय तो प्राणी में सृष्टि ही लय से ओतप्रोत है। जब लय से बेलय होता है ना सृष्टि होती है तो प्रलय है और जब लय में है तो सृष्टि है। तो लय तो प्राणी सृष्टि की वस्तु है।
परिजन पयो धजन राम रौंग परिजन पयो धजन राका शिशो मिलन बढ़े निरख निरख सखी जगनु मडल में अनुज सहित सियरा आवत अब बीमा अनु चढ़े निरख सखे गगनवा ये मडल नीर मगरी गगन मडल तदर तदर अब देखिए यही अभी दर्जनों सुनाऊंगा यमन में दो दिन तक सुनाता रहूंगा और सब अलग अलग दिखाई पड़ेगा उसकी रचना उसकी गढ़न। अमर जब गवैया गाएगा ना तो कोई गवैया दस तान नहीं गाता, चार पांच तान के अंदर ही फिरता रहता है। आ एक बात, कोई गवैया केवल उसे 10 मिनट तक तानी तान सुनिए उसकी नानी याद आ जाएगी। 10 मिनट तक तान में क्या कहेगा? आप 10 दिन तक सुनेंगे तो हम 10 दिन तक नई नई बात कहते चले जाएंगे। 10 दिन तक कितना मैटर है, इतनी सामग्री है। तादारी हाँ ठेका भैया, केवल ठेका देना। तदरे तदरे तीन दिन दिन दादा दिन दिन नहीं एक छक्का बजान क्रिकेट की सुननी चाहिए हमको। दिन दादा बजाओ नहीं केवल छक्का बजाओ कुछ नहीं बजाओ हाँ दिन दिन खड़ा छक्का भैया ऐसा तू बुरा मत मानना क्योंकि मेरा काम ही ऐसा है जो लय जब वो सही नहीं आता तो बैठेगा नहीं। तादारे तादारे तदे दे ताना ना तादारे तादारे तदे कम ज्यादा नहीं करो दीम दीम ताना तादारे तादारे तदीम ताना तादारे तादारे तदीम ताना तादारे तादारे तदिया ताना रे तदानी तदानी दानी तदियाना रे तादारे तादारे तदे दे ताना तादारे तदारे तदे। ये ख्याल नुमा तराना है, तराना की तरह नहीं है, ये ख्याल नुमा है। रे तदे
देम तनाना तादा रे तादा रे तारे देम तनाना तादा रे तादा रे तादे देम तनाना तादा रे तादा रे तारे देम तनाना tadare tadare tadiyana tananare tadani tadani dani tadiyana re tadare tadare tare dem tanana odani 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 udatana 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 tanare tadani tana tadani tana tadim tadim tana dim tanare अब देखिए एक दूसरी रचना सुनिए, जीने छुओ लंगर वाज। इस अस्थाई को सुनिए, देखिए अस्थाई कैसा विलक्षण है। जिन छुओ लंगर वाज, जिन छुओ दिन जिन छुओ लंगर लंगर जिन छुओ लंगर वाज, जिन छुओ लंगर वाज, जिन छुओ लंगर वाज, jina chuo jina chuo langare va, jina chuo langare va, jina chuo jina chuo chuo jina chuo langare va, jina chuo langare va, kar ki kalai dar lag nanad yaru jethani kar nadi mo mure mure ga लंगर वाजिन छुओ लंगर वाजिन छुओ लंगर वाजिन छुओ।
डर नाग नन दयालु जेठानी करेरी आंगुरी मोरी मोरी गई जी न छुओ नम गरबा सहेली साहब देखी वाय मुस्काई गई छतिया धर की मोरी हाँ मोरी 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 गई जी न छुओ नम गरबा जेठानी करेरी आंगुरी मोरी मोरी गई जी न छुओ गरबा जी न छुओ तनता धरे दानी दानी। अब देखिए बंदिश का हिसाब देखिए इस तराने को देखिएगा। पहले गाने बजाने का जो काम महफिल का होता था तो तवलिया चाहता था जब गवैये को गाने न दें, गवैया चाहता था तबले को बजाने न दें, ऐसा स्टेज पर होता था। खैर अब ये नहीं होता। उसका कारण है लोगों को ऐसे स्थायी तंत्र याद नहीं है। वैसे अस्तंत्र तन तदरे तदरे दानी दानी तारे तदानी तदानी तदरे तदानी दा। अब अस्थाई अंतरा एक ही साथ कहते रहेंगे तबले को क्या पता क्या गा रहे हैं, मगर ये गुण नहीं है अवगुण है। आनंद लेने के लिए महफिल में लोग बैठते हैं तो तबले वाले को तुरंत ताल बजा देना चाहिए। अब बेचारा हमारा 40 वर्ष का घिसा हुआ एक मिनट में कैसे समझ जाएगा, ईमानदारी की बात है। धीना धी धीना धी 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 बेधड़क बजाओ ठीक आवाज कम लाइन हो जाओ। हाँ यहीं पर असली में ये काम जो है मजे हुए लोगों का काम है। दीम दन 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 दन
दानी तन तदरि 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 दानी दान तदरि तदानि तदानि दिम तन तार तदानि तदानि तन दिर दिर तन दिर दिर तन दिर दिर तन तदरि तदरि दानि दानि तन तदरि 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 दानि दानि तदरि तदानि तदानि दिम तन तार तदानि तदानि तन दिर 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 तन दिर दिर तन दिर दिर तन तदरि 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 दानि दानि tan tadari 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 dani dani tadari tadani tadani din tanana tare tadani tadani din dani tan tadari 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 dani dani tadari tadani tadani din tanana tare tadani tadani din ab kal isko hum phir se suna denge aapko